Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now, next graphical representation is histograms. These are representations like bar graphs. Histograms or bar graphs में कुछ ज़्यादा difference नहीं है. उनको बनाने का तरीका भी बिल्कुल similar है. कुछ slight differences हैं बस. And वो दिखने में भी एक दूसरे के जैसे ही लगते हैं. So, but they are used for continuous class intervals. जो bar graphs हैं, उसके अंदर हम क्या लेते हैं? Variables लेते हैं. For example, पिछले कुछ questions में हमने देखा, सबसे पहले तो एक family की income दी हुई थी और उनका expenditure अलग-अलग heads में दिया हुआ था. So, वो proper variables थे, उनके अलग-अलग values थी. But histograms में क्या होता है? Continuous class intervals होते हैं, उनके लिए हम histograms draw करते हैं. So, अगर एक जगह आपको continuous class intervals वाला table दिया है, एक जगह आपको variables वाला table दिया है, आपको choose करना है कि हर table के लिए आपको क्या बनाना है. तो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल के लिए हम हिस्टोग्राम्स फॉर्म करेंगे एंड वेरिएबल्स वाले टेबल के लिए हम बार ग्राफ्स बनाएंगे. सो दीज आर रिप्रेजेंटेशंस लाइक बार ग्राफ्स बट आर यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स. नाउ एक टेबल कंसिडर करते हैं. वेट्स दिए हुए हैं आपको केजी में एंड स्टूडेंट्स दिए हुए हैं. इन स्टूडेंट्स के वेट्स कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर है. दैट मीन्स 30.5 से 35.5 के बीच में जिन बच्चों के वेट हैं वो कितने बच्चे हैं? 9 हैं. 35.5 और 40.5 के बीच में 6 स्टूडेंट्स के वेट्स हैं. फाइन. सो ये एक टेबल आपको गिवन है विथ वेट्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर वी कैन से फ्रीक्वेंसी. टोटल आया इसका 36. अब लेट अस रिप्रेजेंट द डेटा गिवन अबव ग्राफिकली. इसमें हम क्या करें, क्योंकि ये कंटिन्यूअस इंटरवल्स हैं, इसको हम एज अ हिस्टोग्राम शो करेंगे. सो उसके लिए सबसे पहले वी रिप्रेजेंट द वेट्स ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. बार ग्राफ बनाने के लिए जो प्रोसीजर था उसमें हमें क्या देखना था, एक एक्स एक्सिस था, एक वाई एक्सिस था. एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर हम स्केल चूज करते हैं जो डेटा हमें गिवन है उसके बेसिस पे. So, we represent the weights on the horizontal axis. X-axis, horizontal axis पे weights आएंगे. Y-axis पर number of students. Fine. So, on horizontal axis, on a suitable scale. एक suitable scale हम ले लेते हैं. For example, हमने देखा, 1 centimeter is equal to 5 kgs पे scale लिया है. So, 1 centimeter equal to 5 kg, मतलब 5-5 kg के gap पर हम एक scale draw कर रहे हैं. So, also, since the first class interval is starting from 30.5 and not 0, 0 से शुरू नहीं हो रहा है, हमारा जो first class interval है, it is starting from 30.5. So, we show it on the graph by making a kink. कोई भी ऐसा data होता है, जो 0 से start ना हो रहा हो, और उसको हमें एक axis पर represent करना है, तो हम क्या करते हैं, 0 से लेकर जो first value है, उसके बीच में, हमें वैल्यूज जो स्किप करनी है, जो हमें वैल्यूज की जरूरत नहीं है, उसमें हम किंक ड्रॉ करते हैं. किंक इज लाइक अ थिंग लाइक दिस. किंक एक ऐसे लाइन एंड दिस इज अ किंक. ये हम ड्रॉ करते हैं. इससे क्या, इसका मतलब ये है कि जीरो से लेकर फर्स्ट वैल्यू तक हमने उसको स्किप कर दिया एंड फर्स्ट जो स्टार्टिंग है वो हमारी फर्स्ट वैल्यू से हो रही है. फाइन. नाउ अब इस केस में भी ऐसा ही हो रहा है. जो फर्स्ट वैल्यू है वो है 30.5. सो 30.5 से अगर हमें स्टार्ट करना है तो उससे पीछे हमें किंक लगा देंगे. वी आर ब्रेकिंग द एक्सिस, वी आर गिविंग द एक्सिस अ ब्रेक. फाइन. नाउ नेक्स्ट सेकंड इज वी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर फ्रीक्वेंसी ऑन द वर्टिकल एक्सिस. वर्टिकल एक्सिस मीन्स वाई एक्सिस on a suitable scale. एक suitable scale हम उसका भी ले लेंगे. Now since the maximum frequency is 15, we need to choose the scale to accommodate this maximum frequency. एक scale हम इस frequency को accommodate करने के लिए एक कोई भी suitable scale जो आपको ठीक लगे, 2-2 के gap पर, 5 के gap पर, 1 के gap पर, किसी भी 3 के gap पर, कैसे भी आप choose कर सकते हैं. Now third is, we now draw rectangles. फाइन. और रेक्टेंगुलर बार्स, जैसे हम उसमें बार ग्राफ में बनाते थे रेक्टेंगुलर बार्स. रेक्टेंगुलर बार वॉज इक्वल टू द हाइट या फिर वॉज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. सो इस केस में भी जो एक
प्रॉपर क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर उसकी हाइट होगी। एक रेक्टेंगुलर बार की हाइट विल बी इक्वल टू दी फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास इंटरवल। फाइन, सो नाउ वी ड्रॉ रेक्टेंगल्स और रेक्टेंगुलर बार्स ऑफ विड्थ इक्वल टू द क्लास साइज। इसके अंदर डिफरेंस क्या है? बार ग्राफ में हम विड्थ लेते थे, यूनिफॉर्म विड्थ होती थी, पर वो विड्थ कुछ भी हो सकती थी। बट इस केस के अंदर विड्थ इज इक्वल टू द क्लास साइज। क्लास साइज मतलब उनके बीच का जो डिफरेंस है। फाइन, नाउ इन दिस केस द लेंथ इज 14.5। अगर हम देखें, अगर विड्थ हम देखें तो इट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सो द क्लास साइज इज इम्पॉर्टेंट। क्लास साइज देखने के बाद जो विड्थ होगी वो यूनिफॉर्म होगी, सेम होगी, बट इट इज इक्वल टू द क्लास साइज। नाउ लेंथ जो होगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल, द रेक्टेंगल ऑफ द क्लास इंटरवल 30.5 एंड 35.5, ये एक क्लास इंटरवल अगर हमारे पास है, इसकी विड्थ होगी 1 सेंटीमीटर एंड जो लेंथ होगी वो होगी 4.5 सेंटीमीटर। फाइन, अब इन दिस वे वी विल ड्रॉ दिस हिस्टोग्राम। ये है किंक एंड दिस इज द फर्स्ट जो हमारी इंटरवल है उसका स्टार्टिंग एंडिंग। देन ये एक कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स हमने वेट्स नीचे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऊपर हमने शो किए। तो 30 to 35, 30.5 to 35.5, ये हो गई इसके बीच की जो हमारे पास क्लास साइज था। दिस इज द क्लास साइज। फाइन, अब 30.5 to 35.5, ये भी सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सब सेम है, बट इनके बीच में कोई स्पेसिंग नहीं है। फाइन, अब इनकी हाइट्स जो है, मतलब इस रेक्टेंगुलर बार की हाइट होगी 30.5 to 35.5 की जो फ्रीक्वेंसी है उसके इक्वल। उसकी इक्वल जो फ्रीक्वेंसी है हम देख लेते हैं टेबल के अंदर क्या है। जो हमारा टेबल हमें ऑलरेडी गिवन है, 30.5 to 35.5 की फ्रीक्वेंसी है 9। सो हम इसके अंदर इस रेक्टेंगुलर बार की हाइट होगी 9 के इक्वल। फाइन, ऐसे ही सारे के सारे क्लास इंटरवल्स की फ्रीक्वेंसीज के बेस पर हम उनकी हाइट्स ड्रॉ कर लेंगे। नाउ सिंस देर आर नो गैप्स इन बिटवीन कंसेक्यूटिव रेक्टेंगल्स, कोई भी गैप नहीं है, तो देखकर अगर आपको पता लगाना है कि अगर ये बार ग्राफ है या फिर ये एक हिस्टोग्राम है जिसमें कोई भी हमारे पास गैप नहीं है, दैट इज अ हिस्टोग्राम। सो इट अपियर्स लाइक अ सॉलिड फिगर, एक कंप्लीट फिगर की तरह ये अपियर होता है कि ये एक है, दिस इज अ यूनिट, दिस इज वन यूनिट, ऐसे ये अपियर होता है। फाइन, सो दिस वॉज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ बार ग्राफ एंड अ हिस्टोग्राम। नाउ लेट अस मूव फर्दर।